हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में छोटे ए की मात्रा के शब्द सीखेंगे। हम छोटे ए की मात्रा को कैसे बोलते हैं, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, उसके शब्द कैसे लिखेंगे, उनको लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क का पे ए की मात्रा के, म मा पे ए की मात्रा मे, न ना पे ए की मात्रा ने, द द पे ए की मात्रा दे, ह ह पे ए की मात्रा हे। तो चलिए इसके कुछ वर्ड पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि लिखा हुआ है देखिए, रा रा पे ए की मात्रा रे, ल रेल, मा मा पे ए की मात्रा मे, ल मेल, फा फा पे ए की मात्रा फे, ल फेल, जे ल जेल, फे ल फेल, बे ल पेल। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है के ला केला, मे ला मेला, बे ला बेला, चे ला चेला, खे ला खेला, बे स न बेसन, बे ल न बेलन, वे त न वेतन, चे त न चेतन, हे ल न हेलन, के ले केले। देखिए यहाँ पे का पे भी मात्रा आ रही है और ला पे भी मात्रा आ रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे के ले केले, मे ले मेले, चे ले चेले, खे ले खेले। अब ये थोड़े बड़े शब्द आ गए हैं जिन पर एक ही मात्रा आती है। तो देखिए, मे ह मा न मेहमान, से वा राम सेवाराम, च मे मा मा पे एक ही मात्रा, च मे ली चमेली, सहेली, परेशान परेशान। अब आपने देखा यहाँ पे शा बना हुआ है। देखिए कई लोग परेशान को कैसे लिखते हैं, परेशान ऐसे भी लिखते हैं, परे सान, तो कई इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत होता है। परेशान नहीं होता, श होता है। श और सा में फर्क होता है, बोलने में आपको पता चलता है कि स आ रहा है या श आ रहा है। तो ये हमारा परेशान होगा, परेशान नहीं होगा, ये गलत है, इस तरीके से हमें नहीं बोलना है। अगला है मैं ह मान मेहमान, महादेव महादेव, सुखदेव सुखदेव, जय देव जयदेव, रामदेव रामदेव, केतली केतली, बसेरा बसेरा। तो आपने देखा हमने इस वीडियो में एक ही मात्रा के शब्द पढ़ना सीखा। तो आप भी इसी तरीके से एक ही मात्रा के शब्द आसानी से पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और इनको बोलना सीखिए, बार बार बोलकर इनकी प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इनको बोलेंगे, तो आप भी बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। बाय बाय।